तो हम बात करें तो इंट्रोडक्शन के, ठीक है, लो सेल्स होती है, हाई कॉस्ट रहती है। इंट्रोडक्शन में क्या होती है, हाई कॉस्ट रहती है पर कस्टमर की, जो हमारा प्रॉफिट रहता है एकदम ना के बराबर रहता है, और कंपटीटर भी बहुत कम ही रहते हैं। ठीक, कस्टमर जो होते हैं इनोवेटर वाले होते हैं। ठीक है, आगे आप लोग पढ़ोगे कस्टमर कौन कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिलेक्टिव होता है, कोई एक स्पेसिफिक, ठीक है, यूज़ करते हैं हाईली सेल्स प्रमोशन को जब तक ट्रायल चलता रहता है। प्राइस कौन से प्राइस चार्ज करते हैं, कॉस्ट प्लस है, जो हमारी कॉस्ट लगती है प्लस कुछ प्रॉफिट रख लेते हैं, एडवर्टीजमेंट भी करते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रोथ में क्या होता है, डिमांड हमारी बढ़ जाती है, मार्केट शेयर हम बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन भी क्रिएट हो जाता है, बढ़ने लगता है, सेल्स भी हमारी बढ़ती है। ठीक है, कस्टमर जो होते हैं अर्ली अडॉप्टर होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, सर्विस देते हैं, वारंटी देते हैं। प्राइस होती है पेनिट्रेटिंग, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो कर देते हैं, फिर उसके बाद हाई कर देते हैं।